रमा रमा कहाँ हो भाई? यही हूँ यही हूँ। घर में घुसे नहीं कि रमा रमा चिल्लाने लगे, यहीं पे हूँ। बोलो क्या हुआ? अरे मार्केट से आ रहा था, सब्जी सस्ती मिल रही थी, लाया मैं, कहा लो। और हमारे चांद सितारे कहाँ हैं? वही है जहाँ रोज होते हैं। यानी सो रहे हैं अभी बच्चों का ना? रुको मैं पानी लेके आती हूँ। जब सारी रात काम करेंगे बिना सोए तो दिन में तो सोएंगे ही ना। कीपैड वाला मोबाइल ही सही था। जब से स्मार्टफोन आया है बच्चों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। जब बैठे बिठाए खाना मिल रहा है, कपड़े लत्ते मिल रहे हैं, तो क्या जरूरत है काम करने की? और तुम तो कमा ही रहे हो ना। सही कह रही हो। आयशा का कॉलेज पूरा हुआ कितना दिन हो गया, लेकिन एकदम बिल्कुल आलसी हो गई है। मैं तो कहती हूँ जी, कोई अच्छा सा लड़का देख के उसके हाथ पीले कर दो। रिश्तेदारों से बात कर रखा हूँ, जैसे कोई बढ़िया रिश्ता मिल जाएगा शादी कर देंगे। मुझे तो लग रहा है जवानी में मर जाना होगा, बुढ़ापा देखना नसीब नहीं होगा। अच्छा कमर झुक गई है, नजर कुछ आता नहीं, चला जाता नहीं, और अभी अपने आप को जवान समझ रहे हैं आप? जवान तो हूँ ही मैं, बूढ़ा होता तो घर में बैठ के आराम करता, पेंशन ले रहा होता। अभी उम्र बाकी है, फिर तो काम कर रहा हूँ। बूढ़े तो हमारे बच्चे हैं जो घर में सोए पड़े रहते हैं। अरे आगे पापा। बेटा आज बड़े जल्दी उठ गए तुम। अरे क्यों ताने मार रहे हो मेरे लाडले को? सारी रात तो काम करता है, शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक कभी यूट्यूब, कभी इंस्टा, तो कभी पबजी खेलता है दोस्तों के साथ, तो थकेगा तो सही ना। लाओ अपने बेटे को चाय कॉफी दो ले आके। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। सारे रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभा ली फोन पे की नहीं अभी? ओहो पापा लगे ना टोन मारने, खाली बैठे बैठे क्या करूँ, फोन चला कर टाइम पास हो जाता है बस। करो बेटा करो, खूब टाइम पास करो। अरे वो सब छोड़ो ना पापा, एक काम करो मेरे को 1000 रुपये दो, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसी की पार्टी में जाना है। रामा आशीष को दे दो 1000 रुपये, इसको पार्टी करने जाना है ना। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? बाप इस उम्र में काम करने जा रहा है और तुम्हें 1000-1000 रुपये चाहिए गिफ्टों के लिए? ओहो मम्मी कॉलेज पास मैं कर चुकी हूँ, ढंग की नौकरी मुझे मिल नहीं रही और छोटी मोटी मुझे करनी नहीं है। आपको पता है फेसबुक पर मेरे 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है बेटा। और पता है पापा, इंस्टाग्राम पे मेरे पूरे 2 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं, और आपकी बेटी जो भी पोस्ट करती है ना उस पे एक ही दिन में मिलियंस में व्यूज जाते हैं और लाइक्स भी मिलियन में आते हैं। वाह बच्चे वाह, तुम दोनों ने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब मैं सबके बीच में सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे खाली नहीं बैठे, दिन रात इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगे हुए हैं फॉलोअर्स बढ़ाने में। वो सब छोड़ो ना पापा, मैं कहता हूँ आप भी फेसबुक चलाना सीख लो। अरे ठीक तो कह रहा है जी, आप भी सीख लो और मैं भी सीख लेती हूँ, पूरा घर ही मिलके फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं। भाग्यवान मैं तो सोच रहा हूँ ना गुरुद्वारे के बगल में किराए का मकान ले लूं। क्यों यहाँ क्या हो गया, अपना घर छोड़ के किराए के घर पे जाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा सही तो कह रहे हैं तेरे पापा, ये घर बेचेंगे जभी तो तुम लोग अच्छी अच्छी रील बनाओगे, तभी तो हमारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे। और खाना गुरुद्वारे के लंगर में खा लेंगे। पापा जी मजाक मत करो, हम दोनों की खिंचाई कर रहे हो ना आप, है ना? है ना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ क्या करने वाला हूँ ये तुम दोनों को जल्दी पता चल जाएगा। जाओ तुम लोग अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो।
आज खाने में क्या बनाऊं जी? ये काम करो, फ्लावर की सब्जी बनाओ, और फ्लावर की दाल, और फ्लावर की चावल रोटी बनाओ, और फेसबुक की चटाई में सारे बैठ के खाएंगे। मैं तो कहती हूँ जी, सब कुछ छोड़ के भाग चलते हैं, अपने आप भूखे मरेंगे तब पता चलेगा इनको दाल रोटी का। अरे यार, अभी तो 4 ही बजे हैं, लगता है आज हमारी नींद टाइम से पहले भूल गई। भाई मम्मी कहाँ हैं? गई होंगी किसी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ, और पापा भी लगता है ऑफिस से आए नहीं। एक काम करा आशा, आज मम्मी पापा को सरप्राइज देते हैं, तो बोलते रहते हैं ना कि हम लोग निकम्मे हैं। तू जा रसोई घर में खाना बना और मैं घर की सफाई कर देता हूँ, ठीक है? जल्दी जाता हूँ। भाई, भाई क्या हुआ आयशा? भाई मम्मी पापा घर छोड़ के चले गए। क्या बकवास कर रही है तू? मैं माँ को फोन लगाता हूँ। स्विच ऑफ है माँ का फोन। मैं पापा को लगाता हूँ। पापा का भी फोन स्विच ऑफ है। भाई ये ना सब हमारी लापरवाही करने दी जाए, वो हमें कहते रहे समझाते रहे पर हमने उनकी एक नहीं सुनी। तू सही कह रही है मेरी बहन, ये सब हमारी गलतियों की वजह से। सुन तू घबरा मत, हम जागे ना मम्मी पापा दोनों कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आएंगे और उनसे अपनी गलती की माफी मांगेंगे। हम नहीं रह सकते उनके बिना। चुप हो जा बहन, चुप हो जा। Oh yeah.